दुश्मनाने नबी को फटा दीजिए, दुश्मनाने नबी को फटा दीजिए, हक में उन सबों को मिला दीजिए, हस्मती उनको देवर दिखा दीजिए, हस्मती उनको देवर दिखा दीजिए, हस्मती उनको देवर दिखा दीजिए, कान पे रख के घोड़ा दबा दीजिए, कान पे रख के घोड़ा दबा दीजिए, कान पे रख के घोड़ा दबा दीजिए। मैं अपने तमाम सुन्नी हनफी बरेलवी भाई को सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो मोहतरम सामईन इकराम, एक हमारे भाई एक देवबंद मदरसे में पढ़े हुए को लाया, जो इनको रिलेशन में भाई लगता है, इनके चाचा का लड़का है। तो उसको देखिए, ये देवबंद के मदरसे में न सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बारे में बुग्ज सिखाया जाता है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहताज बता रहा है। आप इस ऑडियो में सुनेंगे, क्योंकि ये अपने बुजुर्गों के लिए तो बहुत ही अच्छा मानेगा, बहुत ही ज्यादा तारीफ करेगा और गैब की बातें तस्लीम भी कर लेगा, मगर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आएगा तो इनकार कर देगा। तो इनके मदरसे में यही सब पढ़ाया जाता है। आप इस ऑडियो को सुने और मुसलमानों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जजाकल्लाह खैर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। हजरत खैरियत? अल्लाह पाक के शुक्र है, हमारे चाचा के लड़के हैं, ये आलम दीन है, देवबंद से पढ़ाई किए है। इनसे थोड़ा मैंने समझाया, मतलब इनको थोड़ा कम समझाया, आप बात कीजिए, इनको हवाला भी दीजिए कौन कौन से किताबों के हवाले हैं। जी जी जी, बात कर ठीक है। हाँ, बात कीजिए, बात कीजिए। जी, क्या नाम है भाईजान आपका? मेरा नाम इरफान है। इरफान? हाँ। अच्छा अच्छा भाईजान, बहुत बढ़िया। तो कहाँ, दारुल उलूम देवबंद से फारिग है? थोड़ी आवाज मुझे सही से समझ में नहीं आ रही, क्या बोले? हाँ, दारुल उलूम देवबंद की ब्रांच सही है, लेकिन गुजरात से पढ़ के निकला हूँ। गुजरात से? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या इफ्ता किया है या मौलवियत? आलमियत की है। आलमियत की है? हाँ। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो इन्होंने अपने अकीदे के ताल्लुक से भी कुछ बताया होगा आपको? क्यों ने? देवबंदियों ने? हाँ बताया, बोलिए जी। तहाविया पढ़ी है, अकीदे के बारे में क्या बताया? जी, तहाविया हमने पढ़ी है, बोलिए। जी 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 जी, तो मैं भी जो है इन्हीं लोगों से निकला हूँ, और लगभग मैं 15 साल से ज्यादा इन लोगों में रह चुका हूँ, मगर मुझे उस वक्त ये मालूम नहीं था कि इन लोगों का अकीदा, इन लोगों का नजरिया ये है। तो आपका व्हाट्सएप नंबर होगा? व्हाट्सएप नंबर हमारा सऊदी का है। सऊदी का है? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, आप सऊदी में हैं अभी या घर पे हैं? अभी तो आए हैं। अच्छा, आए हैं, घर पे हैं। हाँ। चलिए मैं आपके चाचा के नंबर पर भेज देता हूँ कुछ हवाले, आप देखेंगे? हाँ, देख लेंगे, क्यों नहीं देख लेंगे। ठीक है ठीक है, जो भी मैं कहूंगा वो हवाला भेज दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि हम जिस उस्ताद से पढ़ते हैं उसकी तारीफ करते हैं या तौहीन करते हैं? तारीफ करते हैं। जी जी, तारीफ करते हैं। तो हमारे माँ बाप ने हमें जन्म दिया, हम उनकी भी तारीफ करते हैं। अगर उनके खिलाफ या हमारे किसी उस्ताद के खिलाफ कोई बोलता है तो हम उसका जवाब देते हैं, है ना? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस कदर मानना है ये हुजूरी बताते हैं, कि जब तक कि कोई मोमिन नहीं हो सकता कामिल मोमिन, जब तक वो मुझे अपने माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार, हद तक अपने बीबी बच्चे, अपनी जान से भी ज्यादा, जब तक वो मुझसे मोहब्बत ना करे, मैं जब तक उसके लिए सबसे ज्यादा अजीज ना हो जाऊं, है ना? तो हुजूर की शान में तोहीन करने वाला मुसलमान ही रहेगा या काफिर हो जाएगा? मुसलमान नहीं हो सकता। मुसलमान नहीं हो सकता? जी माशाल्लाह। मान लीजिए जिस उस्ताद ने आपको पढ़ाया है, अगर मैं ये कहूं कि यार
आप मिसाइल में तो आप बात डायरेक्ट एक मिनट एक मिनट एक मिनट हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह बिल्कुल शॉर्टकट में बता रहा हूँ। अगर मैं ये कहूँ यार वो तो बहुत कम इल्म इंसान है, उसका इल्म तो जानवरों पागलों बच्चों की तरह है, तो आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा जी। ये तौहीन है या तारीफ है? तौहीन है भाई, तौहीन है माशाल्लाह। तो ये बात सिर्फ आपके उस्ताद के लिए या आपके वालिदैन के लिए ही तौहीन है या हर किसी के लिए तौहीन है? सबके लिए तौहीन है माशाल्लाह सुभानअल्लाह माशाल्लाह है, काफी सुलझे हुए लग रहा है माशाल्लाह। तो यही बात हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थानवी साहब ने कही है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने गैब का इल्म अता किया है या नहीं? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जी नहीं, गैब का इल्म अता नहीं किया। गैब का इल्म अता नहीं किया? अच्छा, गैब किसको कहते हैं भाईजान? आप बताइए, आप ही तो बता रहे हैं, तो आप बताइए ना। अच्छा ठीक है, छुपी हुई चीज को गैब कहा जाता है, ना कि दिखती हुई चीज को। अच्छा ठीक है। हाँ, ये जो, क्या किये? जिस चीज का इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता नहीं किया, हम नहीं जानते, वो हमारे नबी जानते हैं। यानी जो हमारे लिए गैब है वो हमारे नबी। आपने तारीफ कहाँ से पढ़ी? आपने कहाँ से तारीफ ली? मैं समझा रहा हूँ, तारीफ बता दूंगा कि तारीफ क्या है। आप तारीफ कर रहे हो, तारीफ तारीफात की बुक किताब का आपको अनाड़ी में देने क्या है? अरे भाई, मैं तालिबे इल्म हूँ, आपको इंशाल्लाह मैं तारीफ बताऊंगा। अभी मैंने समझाने के तौर पर आपको कहा, आपने इनकार किया। तारीफ बता रहे हो? अच्छा ठीक है, तारीफ बता रहा हूँ। इल्म गैब उन बातों के जानने को कहते हैं जिनको बंदे आदि तौर पर अपनी अकल और अपने हवास से ना मालूम कर सकें, है ना? अपनी अकल अपने हवास, बस यही एक चीज शर्त है जी, यही एक शर्त है। कहाँ से कौन सी तारीफ? देखिए, हर तरीके से मैं आपको बता सकता हूँ, बहुत कुछ बता सकता हूँ, मगर फिर आप इसमें ही भरेंगे, एक मिनट, इसमें ही भरेंगे तो मामला हल नहीं होगा। बस मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, तफसीर कबीर में पढ़ा है मैंने ये, तफसीर कबीर में पढ़ा है मैंने ये, तफसीर कबीर, तफसीर कबीर, तफसीर कबीर में जी 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 जी। आप उसको क्या हवाला, आप क्या नाम है? अल्लामा इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह की ये किताब है। हाँ बिल्कुल इंशाल्लाह, चलिए भेज देंगे। तारीफ उसे कहते हैं आपने जो जो कंडीशन लगाई अकल और उसके बगैर। अच्छा एक मिनट, आप भी कर दें जरा थोड़ी सी तारीफ, इल्मे गैब किसको कहते हैं, आप भी जरा कर दें एक बार। इल्मे गैब उसे कहते हैं जो जो इल्म में किसी चीज का मोहताज ना हो। नबी भी अल्लाह के मोहताज होते हैं, इसलिए अल्लाह के नबी को इल्मे गैब नहीं। ठीक है, आपको मैं एक मिनट, ये तारीफ कहाँ से पढ़ी है आपने जरा बताएं आप। मैं आपको हवाले दे दूंगा, ऐसी ऐसी बता दीजिए कौन सी किताब का आपने ये हवाला पढ़ा है, कौन सी हदीस का हवाला पढ़ा है। कई किताब में मैंने पढ़ी है, मैंने तो नाम बताया जिसका मैंने आपको हवाला दिया। अभी तो रास्ते में चलते चलते सुनो, चलते चलते मैं भी तो यार, आपने मुझसे जब आपने जिस तरह मुझसे सवाल किया उसी तरह मैंने भी आपसे सवाल किया। तो मैं आपको दे दूंगा ना, मैंने तो दिया ना आपको, मैंने भी तो ऐसे दिया आपके पूछ। आपकी तारीफ गिरा दे, आपकी तारीफ। देखिए देखिए, इस तरह से बात नहीं होती, हम सुकून से बात करेंगे। आपको कई जवाब देने पड़ जाएंगे अगर आपकी तारीफ सही होगी। हम सुकून से बात करेंगे भाई, हम सुकून से बात करना चाहते हैं आपसे। आप तो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आपने जो कहा आप तो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मैंने जवाब दिया और मैंने ये भी बताया कि वो किसकी किताब है, मैंने ये भी बताया कि मैंने कहाँ से पढ़ा है। अरे मैं तारीफ की किताब में अपने पास लेके थोड़ी ना बैठा हूँ, किताब का नाम दूंगा। मैं भी किताबें लेके थोड़ी बैठा हूँ, थोड़ी बैठा हूँ यार, हाथ में दूध की डोलची है। भले ही जा यार, मुझे उन्होंने सामने से कॉल किया और मैं आपसे बात करने लगा। हाँ तो मुझे सुनो, मैं डोलची लेके जा रहा हूँ। आप डोलची लेके जा रहे हो मुझे भाई, जैसे आपने फिर मुझसे क्यों कहा कि ये कहाँ से किया है, कहाँ से पढ़ा है? देखिए चलिए ये बताइए मुझे भाईजान, बहुत मेहरबानी होगी अगर आप प्यार मोहब्बत से बात करेंगे। आप सुनो, अगर आपकी तारीफ अगर बात मान लेना, गुफा शेप में है कि जिसने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म जानते हैं वो झूठा है। अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, सुनो दूसरी बात, अल्लाह के नबी का इल्म था, गैब का इल्म था अगर, तो जहर का खाना जो यहूदियों ने खिलाया था आपको गलती से, ये तो मुनाफिकीन की अलामत है। ये तो जो आप बता रहे हैं ये तो मुनाफिकीन की अलामत है। गैब का इल्म होता तो क्यों खाते? अगर अल्लाह के नबी, ये तो मुनाफिकीन की अलामत है भाई। अच्छा एक मिनट, अच्छा चलिए मैं इसकी इस बात, एक मिनट होता उसको, अच्छा एक मिनट चलिए मैं, अच्छा जानते हैं, अभी भी जानता हूँ। अच्छा ठीक है, अच्छा अब मैं बोलूँ,
ورنہ آپ کو ان میں گیپ کی تعریف نہیں آتی مطلب. اچھا اب میں بولوں, میں بولوں, میری باری آئی. ہاں بولو نا. ٹھیک ٹھیک سنو, ملاحظہ کرنے بیٹھے, ملاحظہ کرنے بیٹھے, مجھے بولنے دو گے تبھی تو میں کچھ بولوں. ہاں یار اب بولو, سمجھانے بیٹھے ہو کہ ملاحظہ کرنے بیٹھے ہو؟ ملاحظہ کرنے بیٹھے ہو تو بیٹھو فرسٹ فیس ٹو فیس ان شاء اللہ. اب بولو, آپ میرے سوال پہ جاؤ تو میں آپ کو سوال پہ جاؤں. لگے میں بھی دکھاتا ہوں, میں بھی آپ کو تاریخ دکھاتا ہوں. آپ تو گھسیا نے لگے, میں کیوں گھسیا ہوں گا بھائی؟ میں اب میری بات سنو نا, یا تو آپ کیا نام ہے کہہ دو کہ بھائی میں تقریر کر رہا ہوں, آپ بیٹھے سنو تو ٹھیک ہے, میں اپنی بات سنتا ہوں جب تک بات کر رہے ہیں. نہیں ہم دونوں آپس میں بات کریں گے, آپ اپنی بات کہیں میں اپنی بات کہتا ہوں. آپ کا آپ سن نہیں رہے نا میری بات کو. میں آپ کی الحمدللہ میں سنی بریلوی ہوں, اعلی حضرت کا غلام ہوں. آپ غلام کس کے بھی ہو, ہم محمد کے غلام ہیں بس, باقی کسی غلام نہیں. تم ہمارے نبی کے دشمن ہو, غلام نہیں ہو. ہم دشمن کیسے ہو گئے؟ بالکل ایسی باتیں ہی کر رہے ہو, میری بات ہی نہیں سن رہے ہو آپ. اچھا اب میں آپ کو سوال کر رہا ہوں, آپ کے پاس جواب نہیں ہے. میں نے تو جواب دے دیا, تمہارے پاس جواب نہیں ہے. تم نے جو تعریف کی میں نے کہا کہاں سے پڑھا ہے جواب, تو تم کہہ رہے ہیں میرے پاس تو ابھی جواب نہیں ہے. میں نے تم نے مجھ سے جو پوچھا میں نے ہینڈ ٹو ہینڈ جواب دیا جناب. کیا جواب دیا تم نے؟ میں نے کہا کہ میں نے جہاں سے پڑھا ہے, میں نے جہاں سے بولا ہے, وہ میں نے علامہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ پڑھا ہے, اور یہ تفسیر کبیر کا جو ہے میں نے حوالہ دیا ہے. اور میں نے میں نے آپ سے پوچھا, ایک منٹ ایک منٹ, میں نے آپ سے سنیے یا تم میں سب مزور پیدا ہوتے ہیں کیا؟ ارے اللہ کے نبی بڑے, تم میں سب مزور پیدا ہوتے ہیں کیا؟ میری بات کو تسلی سے سنو, میری بات کو تسلی سے سنو. آپ نے اپنی بات کہی, آپ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل نہیں ہے. ہاں نہیں حاصل. اچھا تو جیسے اللہ تعالیٰ کا جیسے اعلان ہے کہ بارش کہاں ہوگی, کب ہوگی, عورت کے پیٹ میں کیا ہے, کون کیا کمائے گا, کیا کھائے گا, کہاں مرے گا, یہ سب جو ہے صرف اللہ جانتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اور میں یہ کہنے لگوں کہ میرے آقا کو یہ بھی معلوم ہے کہ کون کہاں مرے گا, یا کس عورت کو کیا پیدا ہوگا, لڑکی ہوگی یا لڑکا ہوگا, اس کے حمل میں کیا ہے. آپ اعتراض کرو, اعتراض کے جواب میں آپ کو دوں گا اعتراض. تقریبات کرو سامنے, میں ہر ہفتے تقریر کرتا ہوں یہاں. اچھا میرا اگر عقیدہ یہ ہو کہ میرے نبی جانتے ہیں کہ کس عورت کے پیٹ میں کیا ہے, لڑکی ہے یا لڑکا, اللہ کے حکم سے جانتے ہیں, اللہ کی عطا سے جانتے ہیں, اس میں غیر نہیں ہوا. پھر اگر جانتے اللہ کے حکم سے جانتے ہیں تو پھر اللہ کا محتاج ہوا اللہ کے نبی, سمجھے؟ جو کسی کا محتاج ہو وہ علم غیب نہیں رکھتا, اور نبی بھی اللہ کا محتاج ہوتا ہے. تم محتاج کہتے ہو, تم بھی تو اپنے استاد کے محتاج تھے, تم بھی تو خود نہیں پڑھ پائے, تم عالم کیسے ہو گئے؟ ارے ہم تو سر محتاج تم تو جاہل ہو, تم تو جیسے تھے ویسے ہی جاہل ہوا. اللہ جیسے تھے ویسے ہی جاہل حاصل ہوا, اس کو تمہیں کچھ نہیں آتا, تم تو کسی اور کے محتاج تھے. اگر وہ نہ پڑھاتا تو تم پڑھتے ہی نہیں, تم تو جاہل ہو پلے درجے کے. ارے بھائی تمہاری باتوں کا جواب دیا جا رہا ہے, ہینڈ فری کر کے بات کر رہا ہوں نا, ہینڈ فری کر کے میری بات سن نہیں رہے ہو اور اپنی ہی باتیں جا رہے ہو اور میری سنے کی سن رہے ہو. تم کہہ رہے ہو اللہ کا محتاج, اللہ کا محتاج جا رہا ہے. ہم نے کب کہا کہ حضور کو ذاتی دل کر رہے تھے؟ ہمارا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ حضور کو جو ہے ذاتی علم غیب ہے, ہمارا دعویٰ نہیں. تم کہہ رہے ہو وہ تو اللہ کے محتاج ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, تو تم بھی تو کسی اور انسان کے محتاج تھے, کسی غیر اللہ کے محتاج تھے, تب جا کے عالم بنے. تم تو جاہل کے جاہل ہی رہ گئے, تمہیں پھر عالم کیسے کہا جائے؟ جب حضور کو علم غیب نہیں کہا جا سکتا تو تم کو عالم کیسے کہا جا سکتا ہے؟ چلے چلے گئے, چلے سب. انہوں نے کہا کہ حضور کو علم غیب نہیں, اور انہوں نے کہا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے. وہ حدیث ذرا لا کے دکھاؤ, میرا دعویٰ ہے میں 1000 روپے انعام دے دوں گا. ہاں اس میں کیا ہے, ذاتی کا انکار ہے یا عطائی کا انکار ہے, یہ انہیں ثابت کرنا ہوگا, اور وہ میں قرآن سے ثابت کروں گا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطائی علم غیب حاصل ہے. بالکل ایک نمبر کے جاہل ہے یہ حرام خور. سب سال جاہل زبردستی کی بحث کرتے ہیں, یہ سمجھ گیا حرام خور یہ کہاں جائے گا. اس نے کہا حضور نہیں جانتے, اب عبداللہ راجپوت سالہ حرامی وہ کیسے بتا دیتا ہے؟ تھانوی کا باپ ہے, تھانوی حرامی نے حکایت اولیہ میں کیسے لکھ دیا کہ عبداللہ راجپوت کے یہاں جب کوئی عورت جاتی ہے اور اس سے کہتی کہ مجھے تعویذ دے دو تو بتا دیتا کہ جا تجھے لڑکی ہوگی یا لڑکا ہوگا, کیسے وہ حرام کیا؟ صحیح بات ہے, سب حرامی کی اولاد ہیں, سالے سور کی اولاد, حرام خور نزد کی ناجائز اولاد. محتاج بتا رہا ہے, ارے محبوب و محب میں یار نہیں تیرا میرا.
सही बात है। अरे ये सब गुस्ताख है साले। अच्छा इसके अब्बा की जो जायदाद है वो इसके अम्मा की है भी कि नहीं है? सही बात, मैं जानना चाहता हूँ। सब नंबर एक के हरामी होते हैं सब खबीर साले। मैं तो इनसे सलाम। अच्छा इसका जो भाई है इसके बाप की जायदाद में शरीक होगा कि नहीं होगा? सही बात है। इसके दादा की जो प्रॉपर्टी थी उसका इसका बाप और इसका चाचा उसमें शामिल होगा कि नहीं होगा? ये शामिल होगा कि नहीं होगा हरामी? सुबह की औलाद समझ गया वो ठीक तरीके से। और इसने मुझसे एतराज किया कि ये कहाँ से पढ़ा है, मैंने बताया कि मैंने फला किताब से पढ़ा है और इसने पढ़ा तो मैंने पूछने तो करिए ऐसे मुझे मालूम नहीं है, मैं बहुत सारी किताबों का हवाला दे दो। मैंने नहीं, बताओ कहाँ से पढ़ा है तुमने? अरे सब जाहिल, जितना रटा दिया उतने ही पे साले लुटिया चोर कहीं के। जैसे बिहारी कहाँ आरा का रहने वाला था। अच्छा अच्छा, नमाज के बारे में बता नहीं पा रहा साला, ये गुस्सा करने लगा। ये ठीक से मतलब ये अपनी चौकटी भूल गया समझे, ये बलदियत भूल गया अपनी कि यार मैं कहाँ फंस गया। और ये समझ गया था कि कहाँ घेर के लाएगा और हो सकता है कि शायद इसने मेरी गुफ्तगू सुनी हो इस वजह से ये बात नहीं कर पाया। अरे इनके सामने बहुत सऊदी बोल देता था। हाँ ये सब नंबर बताइए, दज्जाल है नंबर एक। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए जमीन को समेट दिया, समझे, जमीन को अल्लाह ताला ने समेट दिया मशरिक से मगरिब तक, जमीन का तमाम हिस्सा देख लिया। ये सब एक आए तो पकड़ लेते हैं तो फिर आगे पीछे नहीं बढ़ते। देखिए हजरत एक चीज बताऊं, ये जितने भी हरामी हैं ना, दुश्मनाने रसूल हैं, गद्दारे रसूल हैं, ये उन हदीसों को और उन आयतों को लेते हैं जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाती इतने गैब के ताल्लुक से इनकार है जाती तौर पर। सही बात, सही बात। कोई भी चीज जाती तौर पर आताई वाली आयतें ये पढ़ते ही नहीं हराम खोर। वही जी, इसको मैं बताया कि बिलफर्ज आपसे सिंह बाद कोई नबी पैदा हो जाए तो खत्म उम्मत ही फरकना पड़ेगा, तो वो उसकी मतलब हिमायत में बोल रहा। मैंने कहा जब आप सोशन ने फरमा दिया कि कोई नबी नहीं पैदा होगा तो वो लिखने की क्या जरूरत आई? जी लिखने की जरूरत क्यों पेश आई? मगर थानवी को इन्हें नबूवत पर बिठाना था। वही चीज है। हाँ यही चीज लोग थानवी के ऐलान नबूवत करने से पहले पहले गुलाम अहमद कादियानी ने ऐलान नबूवत कर बैठा और वो इन्हीं शैतानों की किताब तहजीर उन्नास बता देता दिखा देता, देखो भाई कासिम ने नौतवी साहब तो कह रहे हैं। सही बात, इसको काफी दिन से बोल रहा हूँ नहीं आ रहा था, फिर आज मौके से मिला जी। ये लोग रहते हैं बॉम्बे में। समझ गया ये कि मैं फंस गया हूँ, बात नहीं पाऊंगा, वो छोड़ छाड़ के भाग गया। इसके बाप को भी मैंने बोला, मैंने कहा खानदानी चचा लगते हैं और वहाँ रहते हैं अंधेरी में, अंधेरी में रहते हैं बॉम्बे के अंदर। अच्छा हाँ, तो उधर डोंगरी है, डोंगरी जगह एक मस्जिद है के बाजू में, तो बंदियों की है। ये मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रहा था। मैं कह रहा हूँ मैं बोलूँ, मेरी बारी आई अब मैं बोलूँ, बोले चले जा रहा है, बोले चले जा रहा है, बोले चले जा रहा है। तो इसका बाप आया था 3-4 महीने पहले, तो उसको भी मैंने यही चीज बोला सब चीज। हाँ तो बोला था गलत है, गलत है, गलत है, ऐसा लिखा, गलत है ऐसा लिखा। तो मैंने कहा मैं आपको बता दिया हूँ, आप इनके पीछे नमाज पढ़ेंगे, इनकी वो करेंगे तो आपकी जो है कोई के आपकी पकड़ होगी अल्लाह की यहाँ। मैं आपको बता दिया अब ये इनके कुफरिया अकायद क्या क्या है देवबंदी होंगे। हाँ अब आपकी पकड़ होगी अगर आप इनके पीछे जाएंगे तो जी। इसी को वो गुजरात में 3 साल या 4 साल 5 साल कुछ आलिमाना कोर्स करवाए हैं, मगर हम लोग इनको जाहिल मानते हैं, आलिमाना कहाँ मानेंगे, ये सब जाहिल। जी जी जी, चलिए हजरत ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, जजाक अल्लाह। ऐसे ही शैतानों को पकड़ पकड़ के आप मुझे बात कराते रहे। हाँ इंशाल्लाह। हाँ और इन शैतान मौलवियों की हकीकत में इंशाल्लाह मंजर आम पर दिखाता रहूँ। और मैं कहता हूँ आपके जरिए से मेरे जिस भी सुन्नी भाई को कोई जमात वाला कोई देव का बंदर के कोई भी मौलवी अगर तंग करे परेशान करे तो इस गुनाहगार को आप याद कर लेना, मेरा नंबर यही। मैं तो इतना टाइट हूँ कि मेरे मुंह लगते नहीं है कोई पीठ पीछे कुछ भी बोले, बुराई करे कुछ भी बोले। हाँ ये तो करते ही है बुराई।
और वैसे कहते हैं कि भाई किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, और हुजूर की ही बुराई करते हैं, जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उन्हीं की बुराई करते हैं। जी जी जी। और वो शैतान कह रहा था कि अल्लाह के मोहताज हैं, मोहताज बता रहा है, बताइए। अरे यही चीज इनको समझ नहीं होती बात करने की ना, जो मोहब्बत वाला मकाम होता है क्या वो मोहताजी में होता है क्या? नहीं, मोहब्बत तो मोहब्बत ही है यार, मोहब्बत है तो मोहब्बत है, इसमें मोहताज। और अल्लाह तबारक व तआला को तमाम नबियों में सबसे महबूब हमारे नबी हैं, हमारे आका हैं। सही बात है, है? वो इतनी बात में जोश में आ रहा है थोड़ा सा मतलब। और हुजूर फरमाते हैं कि मेरी हकीकत को मेरे रब के अलावा कोई नहीं जानता। और ये शैतान जो है मोहताज वाले जुमले इस्तेमाल कर रहा है यार, बुरे नहीं लगेंगे हमें? बोल रहा है सामने सामने बैठ के, मैंने कहा आमने सामने तू मौत निकल जाएगा, मौत साले औकात कहाँ है, लैटरिन जो है ना पानी की तरह बहेगी। हाँ कभी सामने ही बैठे, आमने सामने तो इतनी बात कर गया, सामने इतनी बात ना करेगा। पानी की तरह लैटरिन निकलेगी, जैसे पेशाब कर रहा है, सही बात, दोनों तरफ से टुलकी चलेंगी। चले फिर दुआ में याद रखिए इंशाल्लाह, ठीक है रहते इंशाल्लाह। फिर जैसा होगा हम बात करते रहेंगे, ठीक है, अल्लाह हाफिज, फिर अमान।